हाय, मैं हूँ तुषाबा सैयद और आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट। बॉलीवुड और टेलीविजन की सेलिब्रिटी से जुड़ी हुई हर बात ब्रेकिंग न्यूज में आ ही जाती है, और साल 2017 और 2018 इन सेलिब्रिटीज के लिए काफी लकी रहा। कुछ सेलिब्रिटीज अपने रिश्ते के बारे में सामने खुल के आए, तो कुछ सेलिब्रिटीज की एंगेजमेंट हुई और कईयों ने शादी भी की, और कुछ सेलिब्रिटीज को तो माता पिता बनने की खुशी भी प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं कि साल 2017 और 2018 काफी प्यार और खुशियों से भरा हुआ था इन सेलिब्रिटीज के लिए। चलिए हम आपको इस वीडियो में ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में बताते हैं जिन्होंने साल 2017 और 2018 में शादी की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाअक्षय और मदलसा शर्मा से। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय ने शादी करी मदलसा शर्मा से ऊटी में एक प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी रखकर। इन दोनों की शादी हुई 7 जुलाई 2018 को। पर अब खबर ये भी आ रही है कि महाअक्षय के ऊपर रेप एलिगेशन लगने के बाद इन दोनों की शादी कैंसिल हो चुकी है। बात करते हैं हमारे दूसरे कपल के बारे में, रुबीना दिलाय और अभिनव शर्मा। टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलायक जो फेमस हुई अपने सीरियल छोटी बहू के बाद, उन्होंने 22 जून को शादी करी अभिनव शुक्ला से, जो उनके काफी टाइम से बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। इन दोनों की शादी भी एक सिंपल फैमिली वेडिंग थी जिसमें कुछ ही दोस्त आए थे, और इन दोनों की शादी हुई शिमला में। अब बात करते हैं हमारे अगले कपल के बारे में, जो है कुणाल बख्शी और अबाबील। एक्टर कुणाल बख्शी ने शादी करी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अबाबील से, और क्योंकि उनकी शादी एक प्राइवेट अफेयर था जिसमें कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ही आए थे, इस वजह से इन दोनों के क्लोज फ्रेंड जूही परमार ने सोशल मीडिया पर इन दोनों की शादी की खुशी शेयर करी। अब बात करते हैं हमारे अगले कपल के बारे में, जो है विनीत कुमार और गंगा प्रीत। कलर्स चैनल का सीरियल उड़न जिसे फेमस हुए विनीत कुमार, उन्होंने शादी करी अप्रैल 18, 2018 में अपने ही होम टाउन दिल्ली में। इन दोनों की शादी भी एक प्राइवेट अफेयर था और कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ही आए थे। अब बात करते हैं टेलीविजन के अगले कपल के बारे में, जो है अयाज खान और अमीश खान। सीरियल दिल मिल गए के एक्टर अयाज खान ने शादी करी लखनऊ की एक लड़की अमीश खान से। मार्च 16 को जो हुई उनकी शादी एक प्राइवेट अफेयर था जिसमें कुछ फैमिली मेंबर्स ही आए थे, और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एंगेजमेंट के सीधे बाद इन्होंने शादी की बिना कोई भी डिले के। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टीवी सेलिब्रिटी कपल के बारे में। प्रीत सिक्योरा और रोशन राव ने शादी करी है हाल ही में। इन दोनों को बिग बॉस में देखकर इन दोनों के फैंस काफी उत्साहित थे इन दोनों को साथ में देखने के लिए। इन दोनों ने मार्च 3 को शादी करी महाबलीपुरम में तमिलनाडु में, और रिपोर्ट्स की माने तो शादी के तुरंत बाद ये लोग हनीमून पे नहीं गए, पर शादी के कुछ समय बाद इन लोग अभी यूरोप में हनीमून मना रहे हैं। प्रीत सिक्योरा और रोशन राव को बिग बॉस में देखने के बाद से ही सभी के आइडियल कपल बन चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले कपल के बारे में, जो हैं गौरव चोपड़ा और हितेशा। डैशिंग टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा ने अपनी गर्लफ्रेंड हितेशा से शादी करी एक प्राइवेट सेरेमनी में जो हुई थी दिल्ली में। इन दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और इनके फैंस काफी खुश हुए थे। अब बात करते हैं हमारे अगले टीवी कपल के बारे में, जो है दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम। इन दोनों की शादी हुई फरवरी 22, 2018 में, और इन दोनों की शादी भी एक प्राइवेट सेरेमनी थी जिसमें कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ही आए थे। मैं आपको बता दूं, ये दोनों की शादी होने से पहले इन दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ससुराल सिमर का से फेमस हुई एक्ट्रेस दीपिका कक्कर इब्राहिम अब आप उनको बिग बॉस में भी देख सकते हैं, और इन दोनों का प्यार बिग बॉस 12 में खूब उमड़ के दिखाई दे रहा है। चाहे दोनों के बीच में एक दीवार ही क्यों ना हो, पर दोनों के प्यार की प्रशंसा काफी फैंस बाहर कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले कपल के बारे में, जो है हिमेश रेशमिया और सोनिया। हिमेश रेशमिया ने फेसबुक पे अपने फैंस के साथ अपनी शादी की खबर शेयर करी, और साथ ही साथ वेडिंग पिक्चर्स भी शेयर किए, और उन्होंने बताया कि उनकी शादी होगी उनके घर पर ही, पर बाद में वो एक पार्टी रखेंगे जिसमें उनके दोस्त और उनके फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग मौजूद रहेंगे। आगे बात करते हैं हमारे बॉलीवुड कपल नेहा धूपिया और अंगद बेदी के बारे में। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, हाल ही में नेहा धूपिया को एक बेटी हुई है जिनका नाम इन्होंने रखा है मेहर धूपिया बेदी। इन दोनों ने शादी किया 10 मई 2018 को गुरुद्वारा में। अब बात करते हैं हमारे अगले बॉलीवुड के बड़े कपल के बारे में, जो है सोनम कपूर आहूजा और आनंद आहूजा। इन दोनों की शादी एक बहुत ही बड़ा और लैविश अफेयर था। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, सोनम कपूर बॉलीवुड की एक बड़ी कलाकार हैं, और साथ ही साथ उनके पिता यानी कि अनिल कपूर भी बॉलीवुड के काफी बड़े एक्टर हैं, और सोनम कपूर के पति यानी कि आनंद आहूजा एक बड़े बिजनेसमैन हैं। तो इन दोनों की शादी में कोई कमी क्यों रह जाती, पूरी बॉलीवुड की इंडस्ट्री इन दोनों की शादी में नाच रहे थे। यहाँ तक कि शाहरुख खान और सलमान खान भी साथ में बार पर खड़े होकर नाच रहे थे। इन दोनों की शादी में हम
में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री देखने मिली। इन दोनों की शादी हुई होटल लीला में 8 मई 2018 को। जैसे ही इन दोनों की शादी हुई, इन दोनों की पिक्चर्स हर जगह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले कपल के बारे में, जो है मिलिंद सोमन और अंकिता कोनवर। 22 अप्रैल 2018 को इन दोनों ने शादी करी। हालांकि इन दोनों के बीच में एज गैप बहुत है। मिलिंद सोमन जो है 52 इयर्स के, वहीं पर उनकी बीवी अंकिता कोनवर है सिर्फ 27 इयर्स की। इन दोनों के बीच में इतना बड़ा एज गैप होने के बावजूद इन दोनों बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं साथ में। इन दोनों की शादी एक महाराष्ट्र स्टाइल में हुई अलीबाग में, और इन दोनों की शादी भी एक प्राइवेट अफेयर था जिसमें सिर्फ कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स इनवाइटेड थे। मैं आपको बता दूं, ये दोनों की शादी के पहले भी ये दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अब बात करते हैं हमारे अगले कपल के बारे में, जो है प्रिंस नरूला और युविका चौधरी। इन दोनों की शादी भी हाल ही में हुई थी। बिग बॉस 9 से जो अफेयर चालू हुआ था, अब वो फाइनली शादी के बंधन में बन चुका है। बिग बॉस 9 में हालांकि इन दोनों का अफेयर थोड़ा बहुत टीआरपी के लिए लगता था, पर इन दोनों ने घर से बाहर आने के बाद सबको दिखा दिया कि ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इन दोनों की शादी भी एक बहुत ही ज्यादा लाविश अफेयर था जिसमें टेलीविजन के काफी एक्ट्रेस दिखाई दिए, और साथ ही साथ दुल्हन युविका की मेहंदी भी बहुत ही यूनिक और अलग थी। इन दोनों की शादी का हर एक फंक्शन, हर एक रस्म बहुत ही बड़ा अफेयर था। हर कोई मौजूद था इन दोनों की शादी देखने के लिए। अब बात करते हैं हमारे अगले कपल के बारे में, जो है सुवरीन चावला और अक्षय ठक्कर। सुवरीन चावला ने एक बिजनेसमैन अक्षय ठक्कर से शादी करी है, और इन दोनों की शादी एक बहुत ही प्राइवेट और सीक्रेट सेरेमनी थी, और ये सीक्रेट रिवील किया खुद ही सुवरीन चावला ने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर। अब बात करते हैं हमारे अगले बॉलीवुड कपल के बारे में, जो है इलियाना डी क्रूज और एंड्रयू नीबोन। इलियाना डी क्रूज ने सोशल मीडिया पर अपने बॉयफ्रेंड एंड्रयू के साथ एक पिक्चर शेयर करी जिसमें कैप्शन रखा था हबी, जिससे हमें ये पता चलता है कि फेमस एक्ट्रेस इलियाना डी क्रूज ने एंड्रयू से शादी कर चुकी है। अब बात करते हैं हमारे अगले बड़े बॉलीवुड कपल के बारे में, जो है अनुष्का शर्मा और विराट कोहली। इन दोनों की शादी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अफेयर था। सोशल मीडिया पर तो सिर्फ अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी की फोटोज और इन दोनों की शादी की चर्चा ही हर जगह पर ट्रेंडिंग चल रही थी। इन दोनों ने शादी करी इटली में और रिसेप्शन रखा था मुंबई में, जहां पर बॉलीवुड के कई एक्टर्स नजर आए। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपनी शादी पर पहना था सब्यसाची के कपड़े। ये दोनों अपनी शादी से पहले 3 साल तक डेट कर रहे थे, और फिर आखिर में अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इटली में जाकर शादी कर ली। अब बात करते हैं हमारी अगली कपल के बारे में, जो है सागरिका घाटके और जहीर खान। फॉर्मर इंडियन बॉलर जहीर खान ने शादी करी सागरिका घाटके, जो चकदे फिल्म की एक्ट्रेस रह चुकी है। ये दोनों 4 महीना एक दूसरे को डेट करने के बाद 23 नवंबर को शादी की, वो भी एक प्राइवेट और सीक्रेट सेरेमनी में। पर बाद में इन दोनों ने एक बड़ा रिसेप्शन रखा था अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। अब बात करते हैं नील नितिन मुकेश और रुक्मिणी साये के बारे में। इन दोनों को हाल ही में बेटी हुई है, और इन दोनों की शादी हुई थी 7 फरवरी को उदयपुर में। इन दोनों की शादी भी एक बड़ा लाविश अफेयर था जिसमें आए थे कई बॉलीवुड के सितारे। अब बात करते हैं इशिता दत्ता और वत्सल सेठ के बारे में। ये दोनों बेस्ट एग्जांपल है कि टीवी कपल्स रियल लाइफ में भी डेट करते हैं। ये दोनों मिले थे रिश्तों का सौदागर बाजीगर के सेट पर 2016 में, और अब इन्होंने शादी कर चुकी है 2018 नवंबर 28 को। दोनों की शादी एक हश हश वेडिंग थी जिसमें नजर आए थे अजय देवगन, काजल, तनुजा, सोहेल खान और बॉबी देओल भी। अब बात करते हैं इस साल की सबसे बड़ी शादी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बारे में। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी हुई नवंबर 14 और नवंबर 15 को लेकोमो इटली नाम की जगह पर। इन दोनों ने अपनी शादी में पहना था सव्यसाची के कपड़े, और इन दोनों ने अपनी दो अलग अलग वेडिंग डेट्स पर दो अलग वेडिंग सेरेमनीज रखी। एक थी कोंकणी स्टाइल वेडिंग और दूसरी थी सिंधी स्टाइल वेडिंग, और अब इन दोनों के दो रिसेप्शन भी होने वाले हैं। एक होगा बेंगलुरु में, जो होम टाउन है दीपिका पादुकोण का, और दूसरा रिसेप्शन होने वाला है मुंबई में, जहां पर आएंगे नजर बॉलीवुड के कई सितारे। इन दोनों की शादी एक बहुत ही बड़ा लाविश अफेयर था जिसकी फोटोज और खबरें अभी तक हर जगह सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर ट्रेंड कर रही हैं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने एक दूसरे को 6 साल डेट किया है। जो प्यार चालू हुआ रामलीला के सेट्स पर अब आ चुका है शादी के बंधन में। ये 2 सालों में ऐसी कई और बॉलीवुड और टेलीविजन की शादियां हैं जिन्हें हम इस वीडियो में तो नहीं बता पाए, पर हम सभी को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं ये लोग हमेशा साथ में खुश रहें। बॉलीवुड में अभी और कई शादियां पेंडिंग हैं, जैसे कि हम बात कर लें बॉलीवुड और हॉलीवुड के कपल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की। दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बनने वाले हैं। इन दोनों की शादी होने वाली है जोधपुर में, और तो और इन दोनों ने अपनी शादी का मैरिज लाइसेंस तक ले चुके हैं अमेरिका से। हालांकि इन दोनों के बीच में भी काफी
एज गैप है, पर फिर भी ये दोनों बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं एक दूसरे के साथ में। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपनी स्पिनस्टर्स पार्टी बनाई थी और निक जोनस ने भी अपनी बैचलर पार्टी बनाई है, और साथ ही साथ एक ब्राइडल शावर रखा गया था जहाँ पर सोनाली बेंद्रे और नीतू कपूर भी नजर आई थी। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी की तैयारियाँ बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है और जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बनते हुए नजर आएंगे। आगे बॉलीवुड के ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।